ज माई नेान ची वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज की स्टूडियो में आपको ओवरसीज़ प्राइम के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा और ओवरसीज़ प्राइम में ओवरऑल जो टोटल लैंड है वो कितनी है और उसके बाद मैं सेक्टर वाइज मैप पे तमाम ब्लॉक्स की वीडियो बना दूँ और कुछ मैं बीच में एक्चुअल ड्रोन की फोटेज भी एड कर दूंगा ताकि मेम्बर्स को आइडिया होता रहे कि ओवरऑल जो डिवेलपमेंट है उस ब्लॉक में कहाँ फॉल करती है मैंने पहले प्राइम ब्लॉक एक सेक्टर वाइज सीरीज बनाई थी लेकिन उसके बाद मैंने अभी तकरीबन इसको तीन महीने हो गए हैं अब मैं मैप पर तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि जब यह लॉन्च हुआ था उस दिन से आज तक ओवरऑल जो प्राइम ब्लॉक में टोटल जो काम हुआ है, उस हवाले से आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों प्राइम ब्लॉक की ओवरऑल लैंड की के प्राइम ब्लॉक में मजदूर जो डेवलपमेंट है हो गई और कितनी डिवेलपमेंट जो अब तक पेंडिंग है किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी और किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट पेंडिंग है क्योंकि थर्टियत ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू को प्राइम ब्लॉक की बैलटिंग होने जा रही है तो यह इफॉर्मेशन तमाम मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जिन्होंने लोकेशन चूजिंग का एस्पेक्ट चूज करना है प्लॉट की लोकेशन चूजिंग ऑफर की गई सोसायटी की तरफ से अगर आप प्लॉट की लोकेशन भी चूज करते हैं तो आपको ये चीजें काफ़ी हेल्प आउट करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले स्टार्ट करते थी ओवरऑल प्राइम ब्लॉक की पहली वीडियो है इसमें तेरह चौदह वीडियो सीरीज में बना दूंगा जितने सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स की इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूंगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले प्राइम ब्लॉक में लैंड कितनी मौजूद है तो अगर लैंड मैय करें प्राइम ब्लॉक की तो उसमें सिंपल सा तरीका कि आप गूगल अर्थ पर जाके मैं इसको टोटल मोटल मैयर करता हूँ लैंड को अच्छा ये स्टार्ट हम प्राइम ब्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये प्राइम ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें मैं ट्राई करूँगा कि एक आइडिया दे सकूँ रफ़ एस्टिमेट इसमें जाहिर सी बात है प्रॉपरली कोई uh, किलोमीटर तो या इस तरह प्रॉपर एरिया कनाल में तो उस तरह वेरीफाई नहीं हो सकेगा लेकिन आपको रफ़ एस्टिमेट मिल जाएगा कि प्राइम ब्लॉक में ओवरऑल जो लैंड है वो कितनी लैंड बनती है तो उस लिहाज से आके बाकी तमाम चीज़ें आपको गाइड कर दूँगा अब इसमें प्राइम ब्लॉक में जी ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो कितने हैं टोटल अगर सेक्टर्स काउंट करें ए बी सी डी ई एफ जी एच सेवन सेक्टर्स ये हैं जे के एल एम तो क्योंकि भाई एलेवन सेक्टर्स बनते हैं टोटल प्राइम ब्लॉक के अंदर तो इसमें टोटल जो लैंड बनती है प्राइम ब्लॉक की वो कितनी बनती है आपको इस वीडियो से वो भी प्रॉपरली एक एस्टिमेट मिल जाएगा ओके टोटल जो प्राइम ब्लॉक की लैंड बनती, बनती है वो बनती है सेवन हंड्रेड थर्टी एकर्स सेवन हंड्रेड थर्टी एकर्स कितनी लैंड है जितनी आपको इसको मल्टीप्लाई एड कर लें तो आपके बस कनाल में लैंड आ जाएगी सेवन हंड्रेड अगर टोटल किलोमीटर में देखें तो सेवन पॉइंट फोर सिक्स किलोमीटर का एरिया बनता है ओवरसीज प्राइम का और अगर एकर्स में देखें मैं थोड़ा तो ऊपर तो कर देता हूँ अगर एकर्स में देखें तो आपका बनता है सेवन हंड्रेड थर्टी पॉइंट टू सेवन सेवन हंड्रेड थर्टी पॉइंट टू सेवन एकर्स अगर इसको मल्टीप्लाई बाई एड कर लें तो आपके पास जो कनाल में एरिया आ जाएगा वो फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी टू किनाल आ, आ जाएगा ये इसका एरिया बनता है कनाल्स में अब मैं इसको एकर्स को अगर मैं कन्वर्जन पर प्रॉपर्ली जाऊँ क्योंकि एकड़ जो होता है जरिए जमीन होती है वो टू हंड्रेड सेवनटी टू स्क्वेयर फीट मरला के हिसाब से होती है यानी कि अगर आप देखें इसको प्लान का मैप ऑफिस मैपोर हटा दूँ जो टोटल जमीन होती है वो सेवन हंड्रेड सॉरी टू हंड्रेड सेवनटी टू स्क्वेयर फीट का मरला होता है सोसाइटी की तरफ से जो डेवलप करने के बाद पोजेशन करने के बाद जो बेचा जा रहा है इसको वो बनता है इसका एरिया टू हंड टू हंड ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर

लॉन्च नहीं किया गया इसको तकरीबन लेकिन ये पूरा ऑलमोस्ट डिवेल्प है क्योंकि सड़कों का लेआउट प्लान प्रॉपरली क्लियर है और बाकी चीज़ें भी क्लियर है सेक्टर बी भी तकरीबन तमाम चीजें क्लियर है सेक्टर सी भी तक़रीबन तमाम चीजें क्लियर हैं सेक्टर डी भी तकरीबन तमाम चीजें आपकी क्लियर आती हैं और बाकी जो सेक्टर्स हैं इसमें ई e आ जाता है वो भी सारा क्लियर है आगे एफ आ जाता है आपका तकरीबन सारा के सारा डेवलप्ड ही है और फिर जी भी आपके सामने है जी तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिवेल्प ब्लॉक जो है वो जी ही काउंट होता है क्योंकि जी में इनफैक्ट ये मेन रोड के ऊपर यहाँ पे विलास जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगी जो सोसाइटी आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी उसके बाद एच ब्लॉक आता है एच ब्लॉक का मैप रिवाइज हुआ है एच ब्लॉक का पुराना मैप जो था ओवरसीज सेंट्रल का मास्टर प्लान पे सॉरी जो वैसे ओवरसीज़ प्राइम का मैप लॉन्च किया गया था वो ये मैप था इसमें आपको आ, मैप में डिफरेंस कुछ यूँ नजर आता है कि यहाँ से आपको प्रॉपरली एक एंट्रेंस रोड मिलती है फिर आगे जाके चार मरला कमर्शल आते हैं और पीछे से बैक साइड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है बट चूंकि जो मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है वो उस मास्टर प्लान में एच ब्लॉक का मैप तकरीबन रिवाइज हो गया है मास्टर प्लान में बाकी तमाम सेक्टर्स पर उनकी डिनोमिनेशनस है कि सेक्टर जी है सेक्टर ई e है सेक्टर डी है सेक्टर एफ है सेक्टर सी या बी लेकिन इस सेक्टर स्पेसिफिकली नहीं इसको डिनोमिनेट किया गया कि इसमें कौन सा सेक्टर है इसलिए क्योंकि इसका मैप रिवाइज हुआ है दो सेक्टर जिनका मैप फुली रिवाइज हुआ है

लॉन्च तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा ओवरऑल एरिया की बात करें थे, थे थे, तो एरिया के लिहाज एक बहुत बड़ा ब्लॉक है।, तो है तो जितना एक, एक ब्लॉक होता है मैं फिर दोबारा डिफरेंट का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ का नाम ले तो फिर बुरा लगता है कि डीमोटिवेट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल फैक्ट कि प्राइम ब्लॉक की लैंड जो है वो रोड पे किसी भी सोसाइटी की जितनी लैंड है किसी

ट्वेंटी ट्वेंटी वन नवंबर की मेजीजें ईगूगल अर्थ पे ये और ये लेटेस्ट इमेजेस हैं इसके अलावा को तक अपडेट नहीं हुई अभी हम मई में, में बैठे हैं आने वाले दिन तो में अपडेट हो जाएंगे तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा मे 2021 ट्वेंटी वन में एरिया को क्यों दिखाई देता था उसके बाद अगर थोड़ा पास में जाएं जनवरी uh, 2021 में तो एरिया को क्यों दिखाई देता था जो कि किसी मतलब हालत में नहीं था सिर्फ गेट के साथ यहाँ पर थोड़ा सा काम हुआ था इस जगह पे बाकी तमाम का तमाम एरिया आपको नॉन डेवलप नजर आ रही है आपको पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं सेक्टर ई में उसके अलावा सेक्टर एफ देख लें बिल्कुल खड्डे और खाइए हैं ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिहाज से और आज की डेट में मैं आपको दोबारा इमेजेस को आगे फॉरवर्ड करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मैसिव चेंजेस जो हैं सेक्टर ई में देखने को मिले हैं ये आप देख लें जी ये इमेज जो है आपकी जुलाई ट्वेंटी की है यानी दो में तो आधा ब्लॉक तो ऐसा था जहाँ पर प्रॉपरली अब कह लें कि जंगल था मतलब कोई चीज़ एग्जिस्टिंग करती थी और मे ट्वेंटी में तो तकरीबन पूरा प्लौ, पूरा ब्लॉक ये जो पुरानी सोसाइटी है नेशनल हाउसिंग सोसाइटी जो यहाँ पे थी जो सोसाइटी ने पूरी कैपिटल स्मार्ट मैनेजमेंट ने पूरी की है सोसाइटी तो ये एरिया सारा का सारा मे 2020 में एग्जिस्ट नहीं करता जब सोसाइटी ने इसको लॉन्च किया था आई थिंक अगस्त सितंबर का टाइम था 2020 में जब इसको लॉन्च किया था तब ये सारा एरिया कुछ यूँ दिखाई देता था आ, फिर उसके बाद अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में वैसे ही है 2019, 2018 जब आप जितना मैं आपको रिवर्स करते रहेंगे मेरा ख्याल ये एरिया ऐसी था इसमें कोई प्रीवियसली कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी हाँ आपको एक छोटी सी रोड नज़र आती है ये गेट के साथ यहाँ जो पुराना यहाँ पे गेट था नेशनल हाउसिंग सोसाइटी का ये यहाँ पे गेट था तो उसके साथ जो रोड था उसके बाद आपकी सारा एरिया जंगल का जंगल था आगे क्योंकि सोसाइटी की तरफ से इसको डेवलप जो जिस सोसाइटी के पास थी ल, ये थी सोसाइटी उनकी तरफ से यई थिंक लक्की वाली जो एक्टर है उनके पास थी लेकिन उनसे तो ये डेवलप नहीं हुई थी तो ये वैसे कि वैसे थी अब ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2017 सेवनटीन की है, जब स्मार्ट सिटी जो है लॉन्चिंग हुआ था जब लॉन्च किया गया था तो उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे कितने चेंजेस आए हैं मैं सिर्फ प्राइम ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बाकी तो मैं ओवरऑल मैप पे तमाम चीज़ें बाद में डिस्कस करूँगा अभी आप देखते जाएंगे सेप्टंबर ट्वेंटी नाइन की इमेज है देन नवंबर 2018 एटीन की मजा कुछ यूँ दिखाई देता था नवंबर 2018 में एटलीस्ट ये हो गया था 2019 में जून में कि यहाँ से एक रोड जो है जो एक्सेस वन रोड है वो सेक्टर सी की तरफ जो जाता है वो बनना शुरू हो गया था आई थिंक तब ये ब्रिज जो था वो कंप्लीट नहीं होता यस yes, ये आपको वो ब्रिज नज़र आ रहा है ये जो ओवर तो करेक्ट करता है ये ट्वेंटी में ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता था ये भी एग्जिस ट्वेंटी नाइन्टीन नवंबर में भी एग्जिस्ट नहीं करता था अच्छा ये हो गया जी टोटल ओवरऑल इमेजेस 2019 तक देन आ जाता है आपका अप्रैल 2020 कुछ ये ब्रिज तो आई थिंक कंप्लीट हो गया तब तक यस और बाकी चीज़ें एज इट इज़ वैसे की वैसी हैं प्राइम ब्लॉक में ये देख लें जंगल नजर आ रहा सारा कुछ मे में वैसे की वैसे एज इट इज देन जुलाई एज इट इज अच्छा जो इसमें चेंजेस स्टार्ट हुए ना वो हुए ट्वेंटी ट्वेंटी वन जनवरी में अब जनवरी में देखें तो यहाँ पर चीजेज आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे जनवरी के बाद जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले एक साल और पाँच माह पहले या चार माह पहले अच्छा ये मे ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी वन में, में सॉरी ये इमेजेस काफ़ी हद तक जो लैंड है आप वो आपको काफ़ी अच्छी बेहतर नजर आ रही है उसके बाद आ जाते हैं जुलाई में तो ये सारी लैंड आपके सामने इवन तो यहाँ तक लैंड मुकम्मल होगी इवन जो इस ये भी इमेजेस अब अपडेट नहीं है ये भी ब्रिज कम्पलीट हो चुका है लेकिन ये गूगल अर्थ पे इमेजेस अब तक अपडेट नहीं हुएंगे लेकिन होपफुली आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं गूगल अर्थ इसको अपडेट कर देगा तो इसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी ये हो गया ओवरऑल जो गूगल अर्थ पे आपको मैप की इमेजेस में एक्सप्लेन करता हूँ एरिया मैंने कब दिया टोटल एरिया बनता है तकरीबन सात हजार कनाल ओवरसीज़ीजी प्राइम का और सात हज़ार कनाल एरिया में से तकरीबन एटी से एटी फाइव परसेंट एरिया ऐसा जो डिलीवर्ड है अगर मैं सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम के मैप को रखूँ पर तो सिवाय इस पार्ट के ये रोड के इस तरफ आता है ये सेक्टर जे जो रोड के आप कह लेंगे साउथ साइड पे आता है एंट्रेंस रोड के ये नॉर्थ साइड पे जी ब्लॉक और एच ब्लॉक बनता है और साउथ साइड पे आपका जे ब्लॉक के ब्लॉक एल ब्लॉक एम ब्लॉक, ब्लॉक बनता है इसको छोड़ के एक्सक्लूडिंग दैट बाकी प्राइम ब्लॉक तमाम के तमाम एरिया पर काम हो रहा है आज के डेट में अगर देखें तो उसके बाद आ जाते हैं जिसकी चार साइड्स पे नॉर्थ ईस्ट व साउथ पे अम प्राइम ब्लॉक के ओवरऑल चार साइड्स की बात करें नॉर्थ साइड पर इसकी बात करें तो इसके आपकी यहाँ चाहान डैम आता है जो कि क्योंकि प्राइम ब्लॉक काफी एलिवेटेड लोकेशन पे है तो यहाँ आपको चहान डैम जब घर बनाएंगे आप तो आपको यहाँ से व्यू मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्राइम का एक अच्छा व्यू बन जाता है जो एक बहुत पॉजिटिव बात है क्योंकि इस्लाबाद में रहते हुए आपको वाटर बॉडी का व्यू आपके घर से नहीं मिल सकता आपको पहाड़ों का व्यू मिल सकता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है आप कराची में तो रहते नहीं है कि आपको समंदर का व्यू मिल जाए लेकिन फिर भी आपको इस्लामाबाद राउल ट्वेंटी की डोमेन में रहते हुए आपको डैम का व्यू मिलना सिर्फ पॉसिबिलिटी है एक तो ये लेक व्यू ब्लॉक है जो ईद के बाद विलाज लॉन्च किए जाएंगे उनमें आपको व्यू मिलेगा और दूसरा जो ब्लॉक है वो प्राइम ब्लॉक है क्योंकि काफी एलिवेटेड है एलिवेटेड यानी हाइट पे ब्लॉक है तो आपको वाटर बॉडी का व्यू मिलेगा घर से तो एक काफी ज़्यादा एक फैसिनेटिंग चीज है मेरे ख्याल से इस्लाबाद में रहते हुए तो काफी अच्छी चीज है नॉर्थ साइड पर आपका डैम आ जाता है ईस्ट साइड पर आपका चक्री रोड आ जाता है चक्री रोड जो है मतलब पिंडी इस्लामाबाद का पुराना रोड है क्योंकि इसमें ऐसे कोई प्रोमिनेंस ही नहीं है आने वाले दिनों में जब रिंग रोड यहाँ से कहीं कनेक्ट करेगा इस पॉइंट के आसपास तो ये वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाएगा रिंग रोड इंटरचेंज के जो नज़दीक तीन एरिया बनेगा वो चक्री रोड का प्राइम ब्लॉक की एक्सेस बनेगी चक्री रोड से आ जाते हैं बस उसके बाद वेस्ट साइड पर वेस्ट साइड पर इसकी जो अच्छी चीज़ है वो है गोल्फ कोर्स अब मैं मास्टर प्लान का ज़रा क्लियर करता हूँ तो आपको मास्टर प्लान पर आइडिया हो जाएगा ये गोल्फ कोर्स है अब नॉर्थ साइड पे इसकी डैम है और इसके साउथ साइड पे आप एक एटीन हॉल पी स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स है जो है कि बहुत बड़ी बात है पी स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स जिसको डिजाइन कर रहा है जिसको डिजाइन कर हेराडाइन ने किया है और इसको जो आगे डिवेल्प करें वो भी हेराडाइन गोल्फ डिवेल्प करा है जो दुनिया में एक बहुत पुरानी कंपनी है नाइनटीन से इनकी दुनिया में एक हिस्ट्री है आप ट्रंप गोल्फ कोर्सेज की बात करें दुबई में जितने मेगा गोल्फ कोर्सेज हैं उनकी बात करें उसके बाद जो इसके विलाज हैं जो इसकी आउटस्कर्ट्स पर विलाज होंगे तो उन विलास को डेवलप करिए कंपनी उसका नाम है क्रेकनल ईद के बाद ये विलास भी लॉन्च हो जाएंगे तो मतलब ईद के बाद ईद तो बात हो आ गई वैसे लेकिन आने वाले चंद हफ्तों में ये विलास भी आने वाले दिनों में लॉन्च हो जाएंगे तो इस हवाले से मैं चला डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा अगर इसकी हम साउथ साइड पर बात करें ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया नॉर्थ साइड पर डैम है ईस्ट साइड पर चक्री रोड है इसके वेस्ट साइड पर जो बनती है आपकी ऑल्फ कोर्स और आपके साउथ साइड पर इसके सेक्टर के सेक्टर एल बनते हैं वन एटी रोड को एक्सक्लूड करते हुए और यही रोड आगे जाके 400 सौ फिट रोड से कनेक्ट भी होती है और यही 400 सौ फिट रोड आपको आगे इंटरचेंज की तरफ लेके जाती है अच्छा एक और सवाल मेरे दिन में है जो लोग पूछते हैं अक्सर कि प्राइम ब्लॉक से आपका इंटरचेंज का डिस्टेंस कितना बनता है चले वो भी मेरी कर लेते हैं

इट सेल्फ इसको विजिट करना चाहते हैं या इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल अर्थ पे खुद भी टैली कर सकते हैं इसमें कोई ऐसे कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं आपका ये डिस्टेंस बनता है प्राइम लॉक से एक एक्सेस रोड आपका बनता है इस साइड से तो दूसरा जो इसका एक्सेस रोड बनता है ये बनता है फोर पॉइंट का जो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि बहुत बड़ा रोड है बड़ा डिस्टेंस बनेगा क्योंकि आपको 400 सौ फुट रोड के ऊपर एक प्रॉपरली एक सौ फुट रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है 400 सौ फुट रोड से तो 4.27 किलोमीटर को बड़ा डिस्टेंस काउंट नहीं होता अब इसका हम दूसरा रूट मैयर करते हैं सर ये ओवरसिस से सेंट्रल का मास्टर आ गया। दूसरे रूट से अगर देखें तो ये आपका डिस्टेंस जो बनता है मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से ये बनता है आपका एग्जैक्टिव ब्लॉक वाली साइड से डिस्टेंस ये आपका ओवरसिस प्राइम के एंडिंग पॉइंट है एक तरफ फोर पॉइंट टू सेवन किलोमीटर का डिस्टेंस आता है एक साइड से और दूसरी साइड से डिस्टेंस जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको फोर पॉइंट सिक्स एट किलोमीटर का तकरीबन दोनों साइड से आपको इक्वल पौने पाँच किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेन एम टू मोटर वे पर इंटरचेंज है या चक्री रोड वाली साइड से अगर आप एंटर होते हैं दूसरी साइड से निकलते हैं आप तो फोर पॉइंट सेवन टू या फोर पॉइंट सिक्स एट पौने पाँच किलोमीटर का आपका डिस्टेंस बनता है आपको एम टू मोटर पर टाइम अगर काउंट करें तो दो मिनट और डिस्टेंस काउंट करें तो तक पौने पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस आपको एक एंड से दूसरे एंड में दूसरे एंड में जाने की तरफ लगता है ये ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट टी ओवरसीज प्राइम से इंटरचेंज का डिस्टेंस बनता है सो सोज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़